यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने A9 से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस संविधान बचाओ देश बचाओ की जगह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अपने स्थापना दिवस पर इस तरह के नारों से जनता को भ्रमित कर रही है, साथ ही देश और प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश भी कर रही है। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। केशव जी, जिस तरह से आज कांग्रेस का स्थापना दिवस, इसके साथ ही पहले से ही संविधान खतरे में, आज भी एक बार फिर वही बात दोहराएगी प्रियंका गांधी लखनऊ में। देखिए, संविधान खतरे में नहीं है, देश खतरे में नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में। और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस ने जो रास्ता चुना है कि हम इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने का काम करेंगे जो वास्तव में सच नहीं झूठ है। और कांग्रेस वैसे भी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है, मैं लगातार कहता रहा हूँ। और इनके जितने भी नेता हैं जो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनको निश्चित तौर से मुझे लगता है कि संविधान का अगर ख्याल होता तो लोगों से अपील करते कि जो प्रदर्शन करना है वो शांतिपूर्ण करो। लेकिन वह जैसे कहीं किसी भी कारण से आग लगी हो तो उसमें और घी डाल देने का, पेट्रोल डाल देने का कांग्रेस काम कर रही है, समाजवादी पार्टी काम कर रही है, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। और स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रकार के विषय को निकालना, अरे स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी भी मनाती है, हम 6 अप्रैल को जाते हैं, हर बूथ पर जाते हैं, वहाँ मनाते हैं, अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं, अपनी पार्टी का इतिहास बताते हैं, अपनी पार्टी की जो योजनाएं उनके बारे में बताते हैं, सरकार है तो उपलब्धियां बताते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास बताने के लिए तो कुछ है नहीं, और संविधान नहीं, पूरा देश सुरक्षित है, देश की 130 करोड़ जनता का विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में है, 23 करोड़ जनता का विश्वास उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में। केशव जी, अगर हम शुक्रवार की बात करें तो जुमे की नमाज थी, काफी कुछ शांति से माहौल गुजरा, जबकि उससे पिछला शुक्रवार तो जो था वो काफी हिंसात्मक था, क्या बड़ी वजह मानते हो लोगों पे असर हो रहा है CAA और NPR की, सही चीजें सामने आ रही, या जो सरकार ने कहा है कि उपद्रवियों से ही भरपाई होगी नुकसान की? उपद्रवियों से भरपाई के लिए कोर्ट ने पहले भी कहा है और हमने वो तरीका अपनाया है, और उपद्रव किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन संपूर्ण हिंसा का मैं मानता हूँ कि अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है, सपा है, TMC है और ऐसे राजनीतिक दल हैं जो नागरिकता संशोधन कानून के सच को जानते हुए भी लगातार समाज के बीच में जाके झूठ बोला और एक बड़े हिस्से को इस प्रकार से बरगलाने का काम किया, जिसके बारे में हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जनता अब सरकार द्वारा चलाए गए अभियान की हकीकत समझ रही है, लेकिन विपक्ष इसे जबरदस्ती तूल देने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन केसर के साथ अमित दुबे, R9 दिल्ली।